हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू माय ऑफिशियल ट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज। कल बंगाल में दो मुकाबले होने वाले हैं, जहां पर दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे होम टीम बंगाल वॉरियर बेंगलुरु बुल्स के साथ। यानी कि आप देखोगे एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आज बंगाल ने यू मुंबा को हराया तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर रहेगा। और जहाँ पर बात की जाए बेंगलुरु बुल्स, जो कि उनका जो अभी परफॉर्मेंस रहा अभी तक इस टूर्नामेंट में, और वो तो डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो बेंगलुरु के पास जो कि मैंने कहा कि मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों के जो रेडर हैं बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। बात की जाए बेंगलुरु बुल्स के रेडर की, तो वहाँ पर हाई फ्लाइंग सहरावत है, यानी प्लवन सहरावत है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए। उनके कप्तान है रोहित कुमार, जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा रेडिंग यूनिट है, रेडिंग यूनिट इन दोनों पे ऊपर ही है, जहाँ पर सुमित भी है उनको सपोर्ट करने के लिए, बट ज़्यादा रेडिंग का जिम्मा पवन सेहरात उठाते हैं, और जो उनको स्लो डाउन करने का काम करते हैं गेम को, तो वो है रोहित कुमार। और दोनों बेंच पर रहेंगे तो सुमित टीम की नैया संभालते हैं, बोनस पॉइंट जुटाते हैं सुमित। तो गाइज अच्छा रेडिंग यूनिट है। और जहाँ तक बात की जाए कल के मुकाबले में एक रोमांच होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए बंगाल का जो डिफेंस है उसमें आप देखोगे जहाँ पर बलदेव है जो कि राइट कॉर्नर खेलते हैं, जहाँ पर आप देखोगे रिंकू नरवाल है जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, जहाँ पर जीवा कुमार भी है, जहाँ मयूर शिवतरकर जैसा ऑलराउंडर भी है। तो गाइस अच्छा यूनिट है बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस में। तो कल के मुकाबले में आप देखोगे बहुत ही अच्छी टफ फाइट होने वाली है। बात की जाए बेंगलुरु बंगाल के जो कि रेडर है, जिसमें आप देखोगे मनिंदर सिंह है जो कि कप्तान है बंगाल के, जहाँ पर इस्माइल नबी बख्श है जो कि ऑलराउंडर है, और जो कि बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे बंगाल के लिए। जहाँ तक बात की जाए उनको सपोर्ट करने के लिए के प्रपंजन जैसा एक चालाक रेडर है। आज के मैच में सुकेश हेगड़े ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया और अपने टीम को जीत दिलाई अगेंस्ट यू मुंबा। तो ये जो रेडिंग यूनिट है आप देख रहे हो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज इनके सामने भी चैलेंज रहेगा, जो कि अच्छा डिफेंस यूनिट है बेंगलुरु बुल्स का, जिसमें आप देखोगे अमित शेरोन है जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, महेंद्र है, जहाँ पर आप देखोगे आशीष कुमार सांगवान है जो कि अच्छे ऑलराउंडर है। तो अच्छा डिफेंस यूनिट है, हालांकि जो कि उनका जो पूरा जो गेम है, हालांकि उनके डिफेंस ने पॉइंट स्कोर भी नहीं किए तो अकेले पवन चल जाते हैं। तो अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा, जैसे मैं हम कहते आ रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि हमारा सेक्शन है जहाँ पर हमको 7 प्लेयर पिक करने, और वो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि हम दोनों टीमों के पास एक बड़ी स्टार कास्ट है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं कहूँगा जो कि माय ड्रीम इलेवन के लिए और आपके ड्रीम इलेवन के लिए होने चाहिए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे सेक्शन डिफेंस का, जहाँ पर मैंने कहा अमित शेरोन है, महेंद्र सिंह है, सौरभ नंदल, जी हाँ सौरभ नंदल का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, सौरभ नंदल जो कि बेंगलुरु बुल्स के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो गाइस अच्छा डिफेंस यूनिट है, जहाँ पर बंगाल के पास रिंकू नरवाल है, जीवा कुमार है, बलदेव है, विष्णु विराज लांडगे भी है। तो गाइस बहुत ही अच्छा सेक्शन है उनका पास भी डिफेंडरों का। जहाँ तक बात की जाए ऑलराउंडर की, तो आप देखोगे मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श जो कि टॉप पर नाम है, जहाँ पर मयूर शिवतरकर जैसे मैंने अभी कहा, मोहित सहरावत, जी हाँ मोहित सहरावत सीज़न की फाइंड है बेंगलुरु बुल्स के लिए, जैसे पिछले सीज़न पवन कुमार सहरावत थी, तो मोहित सहरावत भी है जो कि बेंगलुरु बुल्स के लिए एक फाइंड है सीज़न में। जहाँ तक बात की जाए रेडर्स की, तो रेडर्स में आप देखोगे एक हाई फाई जो कि पवन कुमार सहरावत है, जहाँ पर आप देखोगे मनिंदर सिंह है बंगाल के पास, रोहित कुमार है कप्तान है बेंगलुरु बुल्स के, जहाँ पर आप देखोगे सुमित भी है, और के प्रपंजन जैसे कि सुकेश हेगड़े भी ऐसे स्टार रेडर है बंगाल वॉरियर्स के पास। तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमें 7 प्लेयर पिक करने हैं, स्टार्ट करते हैं रेडर से। तो पवन कुमार सहरावत अपने टीम में होने ही चाहिए, जो कि आपको हर रेड में पॉइंट दिला सकते हैं, इतनी उनकी गारंटी है, तो आपको पिक करना है टीम में। जहाँ तक बात कीजिए मैं आपको कहूँगा आप के प्रपंजन को पिक कीजिएगा गाइस, जी हाँ के प्रपंजन कल के मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, अगर प्लेइंग 7 में खेलते हैं तो आप उनको ज़रूर पिक कीजिएगा। और गाइस मनिंदर सिंह, तो ये हमारे 3 रेडर हैं, स्टार रेडर पवन कुमार सहरावत, मनिंदर और के प्रपंजन, ये 3 रेडर हमने पिक कर लिए। अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर, जहाँ पर मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है, जहाँ पर मोहित सहरावत है,
तो गाइज़ इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपको, आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा गाइज, आपको ज़रूर पॉइंट दिलाएंगे। अब आते हैं प्रॉपर डिफेंडरों के पास, जहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं क्रेडिट का इशू है, जहाँ पर सभी रेडर डिफेंडरों का क्रेडिट जो है बहुत ही अच्छा है। बात की जाए तो मैं आपको कहूँगा कि आप सौरभ नंदल को पहले पिक कीजिएगा गाइज। जी हाँ, सौरभ नंदल जो कि इस सीज़न बेंगलुरु के लिए बहुत ही अच्छी फाइंड है। तो अगर आप सौरभ नंदल को पिक करते हो तो आपके पास 12.5 क्रेडिट बचते हैं, तो 12.5 में आप जो कि आप देख रहे थंगा दुराई, आप इनको पढ़ सकते हो, या फिर एन नरवाल को पिक कर सकते हो। तो एन नरवाल को हमने पिक किया क्योंकि गाइज आप देख रहे हैं क्रेडिट का इशू है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर देख सकते हमारा प्रीव्यू, जहाँ पर तीन अच्छे रेडर, दो अच्छे ऑलराउंडर और दो डिफेंडर, जिसमें से एन नरवाल थोड़ा सा डाउटफुल है खेलने के, बट सौरभ नंदल इज़ दी बेस्ट चॉइस फॉर दी डिफेंडर। अब आते हैं हमारा सेक्शन जहां पर हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना है। तो कैप्टन के लिए पवन कुमार सहरावत ये बेस्ट चॉइस रहेगी कैप्टन के लिए, या फिर आप मनिंदर सिंह, इन दोनों में से आप किसी को भी कैप्टन कर सकते हो। पर हाई जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप जो कि है पवन सहरावत को कैप्टन कर सकते हो गाइस। अब आते हैं वाइस कैप्टन, तो मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श भी है, के प्रपंजन भी है और मोहित सहरावत, बट मोहित सहरावत के चांसेस कम है। आप मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श या फिर के प्रपंजन, इन दोनों में से किसी को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो गाइज ये है कल जो कि बंगाल लेग में दूसरा मुकाबला होने वाला है, उसके लिए मेरा मैच प्रेडिक्शन जो कि खेला जाएगा होम टीम बंगाल वॉरियर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट करते हैं। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके वजह से आपको मैच के पहले जो भी प्लेइंग 7 की टीम है अगर क्या चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को कहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।